अब यार ये देखो, अगर बात करें तो ये लुक्स दे दिए ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे दे सकते थे या फिर यहाँ पे दे सकते, मतलब वो मिसिंग लगता है मुझे। अब एक जो सबसे बड़ा चेंज फेस शिफ्ट आने के बाद हुआ ना, जो पहले वाले i20 थे ना उसमें ऐसा मॉडल में सिर्फ दो एयरबैग हमें देखने में मिलते थे। और अगर मैं स्टीयरिंग की बात करता हूँ, i20 की हमेशा से खास बात रही है कि इसका जो स्टीयरिंग है ना वो टिल्ट के साथ साथ हम टेलीस्कोपिक भी कर सकते हैं। अगर ये पकड़ें कैमरे की क्लैरिटी में आपको एक बार दिखाऊँ कैसा कैमरा इसका मिलता है, तो वो आप देखो एक बार, ऐसा कुछ मिलता है। और ये देखो आप डैशबोर्ड, पहले इसमें पूरा ब्लैक डैशबोर्ड मिलता था, जो आप देख रहे हो वाइट वाइट पूरा ग्लोब बॉक्स से नीचे ये पूरा ब्लैक मिलता था, लेकिन ये इसमें चेंज है क्योंकि ये मॉडल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें सनरूफ भी हमें देखने को मिल जाती है। अब इस गाड़ी में मिलता है लगभग 132-140 BHP। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हुंडई i20 एपिसोड में। जब भी किसी गाड़ी का फेसलिफ्ट आता ना तो हम उम्मीद करते हैं यार उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो। अगर हुंडई की फेसलिफ्ट गाड़ियों की बात करते हैं, जैसे वरना ही वो पूरी तरीके से चेंज थी, या वेन्यू भी काफ़ी हद तक फेसलिफ्ट में चेंज हुआ, या फिर अपनी ग्रैंड आइटन न्यूज ओरा और अभी क्रेटा भी काफ़ी हद तक चेंज है। हम उम्मीद कर रहे थे कि i20 भी कहीं ना कहीं हमें ना कुछ ज़्यादा लुक्स देखने को मिलेंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे ठीक है पीछे से ये कुछ हमें चेंज देखने को मिल जाता है, अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन i20 में कुछ इतना मेजर चेंज मतलब नहीं किए गए कि हम ये बोले कि यार सच्ची में मतलब फेसलिफ्ट में इतना कुछ बदल गया i20 में, ऐसा कुछ भी हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि व्हील वगैरह भी आप देखोगे सेम ही देखने को मिल जाते हैं। आगे से भी हम लुक्स की बात करते हैं, नहीं फिलहाल के लिए हम बात करते हैं पैसों की, प्राइस की बात करते हैं तो 20,000 रुपये बढ़ी है इसकी प्राइस, क्योंकि अभी जो हमारे सामने मॉडल है ये एस्टा है, मतलब एस्टा ऑप्शनल जो अपना टॉप मॉडल है वो नहीं है, सिर्फ जो नॉर्मल एस्टा है वो लगभग पहले 10,30,000 रुपये का आता था, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल एस्टा है, तो इसकी प्राइस लगभग अपना 10-50 के आसपास या मतलब 10.5 लाख रुपये का आसपास ऑन रोड हमें ये मॉडल मिलेगा, क्योंकि ये मॉडल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें सनरूफ भी हमें देखने को मिल जाती है। अब लुक्स की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अगर साइड से मैं हाइट और लेंथ की बात कर लेते तो वही सेम टू सेम है, 1.5 मीटर की हाइट मिलती है, 3.9 मीटर की लेंथ मिलती है। अब साइड से माए गए तो ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बता दूं जो कि कमाल का मिलता है, इसमें लगभग 175 mm के आसपास का देखने को मिल जाता है। और ये कुछ ब्रेक की जो अपना साइड में दी गई ना i20 की बैचिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही लगता है। साइड से आई गए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कीलेस एंट्री का बटन भी दिया गया, क्रोम के डोर हैंडल्स यहाँ पे भी क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ हमें देखने को मिल जाता है। ऊपर में सारोफिन एंटीना रूफ फ्रिल्स काफ़ी हैचबैक गाड़ी में आने लग गया, लेकिन इसमें उम्मीद भी नहीं है, काफ़ी बहुत ही स्पोर्टी लुक्स के साथ i20। अब फ्रंट से सीधा स्टार्ट करता हूँ मैं, फ्रंट प्रोफाइल से क्या क्या कुछ इसमें देखने को हमें मिल जाता है। सबसे पहले लाइट्स आप देखो, ये चेंज है जो कि इसमें 1, 2, 3 जोन में कन्वर्ट एडी लाइट DRB यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर है जो अपना वही हेलोजन के साथ है। अब फेस शिफ्ट आने के बाद ये बहुत बड़ी दिक्कत रही है कि फॉग लैम्प भी हटा दी है। अब भी इसका जो छोटे वाला मॉडल है उसमें फिर भी थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन अब पता नहीं फेस लिफ्ट जब भी आता है ज़्यादातर गाड़ी में यही देखने को मिलता है कि फॉग लैम्प भी हट गया। जैसे न्यूज़ आई, न्यूज़ में पहले फॉग लैम्प देखने को मिलते थे, अब उसमें कुछ अपना स्पेरो स्टाइल में DR देखने को मिल जाता है। पता नहीं फॉग लैम्प मतलब क्यों हटा देते हैं फेस लिफ्ट आने के बाद, लेकिन जो भी बोलो लुक्स तो ठीक ही है, लेकिन फॉग लैम्प भी यार काफ़ी यूज़फुल चीज़ है यार, अब हटा दिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो दे दिया गया जो भी सही है यार। मगर ग्रिल इस तरह का थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि पूरी हमें डार्क क्रोम तो मतलब क्या बोलो ग्लोस ब्लैक में दी गई है, बाकी इस तरह का हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। तो लुक्स तो मतलब ठीक है, मतलब लुक्स तो यार मतलब काफ़ी स्पोर्टी हैचबैक है, लुक्स के मामले में i20 काफ़ी अग्रेसिव रही है। अब व्हील की बात करता हूँ तो यहाँ से आप देखो भाई टायर साइज में सीएट कंपनी के टायर देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात करता हूँ तो ये रहा अपना 195/55 R16 यानी 16 इंच के इसमें व्हील देखने को मिल जाते हैं। पीछे मिलते हैं इसमें ड्रम ब्रेक्स और आगे मिलते हैं इसमें डिस्क ब्रेक। रियर से बात करता हूँ तो सेम ही है, बस ये कुछ अपना ब्लैक पूरा कर दिया गया, तो लुक्स थोड़े बहुत चेंज देखने को मिल जाते हैं, वरना सेम ही लुक्स है, बस ये थोड़ा बहुत चेंज है। लाइट्स की बात करते हैं भाई, जेड शेप में अपना LED बैक टेल लैंप देखने को मिल जाती है, एस्टा मॉडल की ब्रांडिंग, i20 मॉडल की ब्रांडिंग, बैक वाइपर और अपना ये पंकी सेंसर, ये पंकी कैमरा भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा मिलता है, तो लगभग 311 लीटर के आसपास का मिलेगा, तो 311 लीटर का बूट स्पेस जो कि मायने रखता है हैचबैक गाड़ी में बहुत ही सही है। और यहाँ पे बोस के स्पीकर लाइट भी यहाँ पे दी गई है, हुक भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसके नीचे मिलता है स्पेयर व्हील, ये कुछ टूल्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही सही है यार। अब यार ठीक है यार, फेस शिफ्ट आने के बाद काफ़ी कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन ना मुझे लगता है कि चेंज करने की जरूरत थी भी नहीं यार, क्योंकि i20 ना मतलब इसी लुक्स में लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और चेंज करते मतलब क्या करते, पहले से इसका मतलब बम्पर चेंज है, मतलब पीछे का बम्पर चेंज है, बस ये कुछ चेंज देखने को मिल जाता है, लेकिन पहले के मुकाबले ना मतलब लुक्स पहले भी काफ़ी अच्छे थे i20 के ना, मतलब कुछ काफ़ी स्पोर्टी
अपना हैचबैक रही है i20 हमेशा से, तो क्या चेंज कर दे? पर मैं थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, बाकी लुक्स आप देखो बॉडी में कट डिजाइन, मतलब लुक्स तो पहले से i20 के गदर थे, तो क्या ही चेंज करते। वेन्यू को जरूरत थी लुक्स चेंज करने की, उसके कर दिए। न्यूज़ को भी जरूरत थी, ओरा या फिर अपना क्रेटा भी लुक्स में हम बोल सकते हैं जरूरत थी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी यार। ये मतलब जैसी कर दी ना ठीक ही है, लाइट्स वगैरह बस थोड़ा सा कुछ अलग तरह की डिज़ाइन की गई है बस इस वजह से, वरना ना पहले के लुक्स भी यार गदर थे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, क्या लगता है आपको, जो पहले वाले i20 थी वो बढ़िया थी, मतलब चाहे इसमें थोड़े बहुत चेंज किए, लेकिन जो भी बोलो क्या पहले वो बढ़िया थी या फिर ये बढ़िया है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। कौन से लुक्स आपको अच्छे लगते हैं, पहले वाली i20 की या नई वाली i20 की? अब यहाँ नीचे आप देखोगे तो ये भी चेंज है पूरा ना, ये भी चेंज कर दिया गया है। अब यार ये देखो, अगर बात करें तो ये लुक्स दे दिए ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे दे सकते थे या फिर यहाँ पे दे सकते थे, मतलब वो मिसिंग लगता है मुझे, कि काफ़ी यूजफुल चीज़ रही यार, क्योंकि हाईवे पे मतलब जितनी ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस होगी आपकी गाड़ी पे, लाइट होगी उतना अच्छी बात है। बाकी हम देख सकते हैं विंग स्टाइल में डीआर इसमें पहले से हमें देखने को मिल जाते हैं। अब एक जो सबसे बड़ा चेंज फेसलिफ्ट आने के बाद हुआ ना, जो पहले वाले i20 थे ना उसमें ऐसा मॉडल में सिर्फ 2 एयरबैग हमें देखने को मिलते थे, लेकिन अब इसमें 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं, यानी कि बेस मॉडल से अब इसमें ना स्टैंडर्ड एयरबैग है, यानी कि बेस मॉडल से इसमें 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही सही है। मतलब एस्ट्रा जैसी गाड़ी को मतलब 10.5 लाख रुपये दे रहे थे आज से 2 महीना पहले, जब ये मॉडल आया नहीं था तो उसमें सिर्फ 2 एयरबैग मिलते थे, लेकिन अब इसमें 6 एयरबैग के ऑप्शन मिलते हैं, तो सेफ्टी के लिए बहुत ही सही है। और मतलब ऑल ओवर बाहर से तो हमने वर्क राउंड सब कुछ हमने बात कर ली, क्या कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं, सेफ्टी की भी हमने बात कर ली है। i20 का अपना बिल्ड क्वालिटी में अपना एक नाम रहा है, हुंडई का भी अपना नाम है, लेकिन काफ़ी सेफेस्ट हैचबैक हम बोल सकते हैं i20 को। अब सीधा मैं ये प्रोफाइल स्टार्ट करता हूँ, क्या कुछ देखने को मिलता है। डोर आप देखो तो ये एक चेंज है, पहले इसमें ड्यूल टोन डोर का ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, पूरा ब्लैक डोर मिलता था, लेकिन इसमें ऑफ वाइट ब्लैक में जो देखने मिलता है फिनिशिंग, ये बहुत ही सही लगती है। और बाकी पावर विंडो बटन, स्पीकर, बोटर होल्डर, इस तरह की इसमें सीट देखने को मिलती है, फैब्रिक की सीट है, 2 हेडरेस्ट इसमें दिए गए, आर्मरेस्ट इसमें मिसिंग है, जो कि मुझे लगता है 10.5 लाख रुपये दे रहे हैं, जो देना चाहिए था यार, आर्मरेस्ट तो दे सकते थे, कम से कम आगे मिल जाता, लेकिन यहाँ पे भी दे सकते थे। बाकी 2 AC वेंट, फास्ट चार्जिंग का पोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि USB पोर्ट मैं बोलूँगा, टाइप सी का पोर्ट नहीं है, USB पोर्ट है। आगे कुछ स्पेस मिलती है, स्प्रिंग हैंडल बार यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लाइट यहाँ पे दी गई है। और ये देखो आप डैशबोर्ड, पहले इसमें पूरा ब्लैक डैशबोर्ड मिलता था, जो आप देख रहे हो वाइट पूरा ग्लो बॉक्स से नीचे, ये पूरा ब्लैक मिलता था, लेकिन ये इसमें चेंज है, अब डुअल टोन के साथ डैशबोर्ड हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सही है। सीट के पीछे पॉकेट हमें ड्राइवर साइड में नहीं पैसेंजर साइड में देखने को मिलेगी, जो मुझे लगता है यार ठीक है 3 बंदे तो बैठ पाएगा, लेकिन एड्रेस तीसरे बंदे का भी दे सकते थे, और ये एडजस्ट भी नहीं कर सकते हम, मुझे लगता है जो पहले वाले i20 थे ना उसमें एडजस्ट कर सकते थे, इसमें पता नहीं यार क्यों एडजस्ट नहीं कर, क्या कर दिया हुंडई ने पता नहीं, जो भी बोलो सही है यार। ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो ये देखो, ये कुछ अपना सॉफ्ट टच मिलता है, पीछे हार्ड टच मिलता था, लेकिन ड्राइवर साइड में ना ये सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, जो कि मतलब पूरा लेदर फिनिश, मतलब सॉफ्ट टच है पूरा लेदर, तो क्या बोलूँगा, सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है बस भैया। और हम के कंट्रोल्स, अपने पावर विंडो के बटन, स्पीकर, बोटर होल्डर, मैनुअली सीट चेंज करनी होगी। और ये हम देख सकते हैं फर्स्ट रो कैसा लगता है इसका नज़ारा, इस तरह कारपेट, ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, AC वेंट, लेकिन इंजन स्टार्ट ऑफ बटन ना पहले यहाँ पे दिया गया था, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है। अंदर से आप देखो पूरा यार, मतलब वैसे तो सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन बस ड्यूल टोन का चेंज है, तो इस वजह से थोड़े लुक्स थोड़े से अंदर बैठ के थोड़ी अलग फील आ रही है, जो कि सही है यार। i20 स्पोर्ट्स हैचबैक रही है, काफ़ी एग्रेसिव हैचबैक रही है हमेशा से। तो फीचर्स की बात करते हैं, इसमें क्लस्टर बिल्कुल सेम है, पहले भी इसमें पूरा डिजिटल मिलता था, अब भी पूरा डिजिटल मिलता है, राइट साइड में स्पीड, राइट साइड में आप मीटर, बाकी फ्यूल वगैरह हम सब कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें क्लस्टर के राइट साइड से ना सारी चीज़ हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, टायर प्रेशर वगैरह भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सही है यार। और अगर मैं स्टेयरिंग की बात करता हूँ, i20 की हमेशा से खास बात रही है कि इसका जो स्टेयरिंग है ना वो टिल्ट के साथ साथ हम टेलीस्कोपिक भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारी हैचबैक गाड़ियों में मिसिंग होता है, तो ये तो i20 की काफ़ी मतलब तभी तो ये गाड़ी यार काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन पाती है। और इसमें कलर की बात करते हैं, मतलब इसकी तो हमने बात कर ली है, म्यूजिक स्क्रीन की बात करते हैं, इसमें लगभग 9 इंच की म्यूजिक स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसमें हम एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले से भी कनेक्ट कर पाएंगे। और बाकी अगर बात करते हैं इसके क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारे नॉर्मली फीचर है, इसमें कुछ हम ज़्यादा चेंज नहीं बोल सकते, नॉर्मली देखने को मिल जाता है। अगर ये पाकि कैमरे की क्लैरिटी में आपको एक बार दिखाऊँ कैसा कैमरा इसका मिलता है, तो वो आप देखो एक बार, ऐसा कुछ मिलता है जो कि क्लैरिटी मतलब HD क्वालिटी तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन जो भी बोलो ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और ये कुछ मैट फिनिश तो पहले से ही इसमें मिल रही थी। और इस तरह के AC कंट्रोल और अपना वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे ऐड हो गई है,
और मतलब ऐड क्या होगी, मतलब इस वाले मॉडल में मिलती है यूएसबी पोर्ट, फास्ट चार्जिंग का पोर्ट, 12 का पोर्ट, 5 स्पीड का गियर नॉक, 2 का बोल्डर, मैनुअली हैंड ब्रेक आमने दिया गया जो कि सॉफ्टेस्ट देखने को मिल जाता है। इसको हम साइड भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेस हमें देखने को मिल जाती है, ग्लोव बॉक्स के अंदर भी स्पेस है, कूलिंग ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है, और ये सनवाइजर वेंड मिरर के साथ, सनग्लास होल्डर। और ये अच्छी बात है कि काफ़ी सारी गाड़ियों में लाइट यहाँ पे दी गई है, सिर्फ यहाँ पे नहीं दी गई लेकिन इसमें पीछे मिलती है और आगे भी लाइट दी गई है। और फिर सनरूफ का तो मतलब फिर क्या ही बात करें, हैचबैक गाड़ी में सनरूफ मतलब ऐसे लगेगा कि एसयूवी गाड़ी में बैठे हो, जो कि बहुत ही से लगता है। अब यार अंदर से चेंज करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि इसमें पहले से डिजिटलाइजेशन का सिस्टम मिल रहा था, कुछ चेंज किया नहीं, मिरर स्क्रीन पहले से 9 इंच की थी, अब इसको कितना बड़ा करते हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब सोचा कि यार इतनी ज़्यादा दूर था नहीं, तो बिल्कुल सही किया उन्होंने कि मतलब गाड़ी को इतना ज़्यादा उन्होंने मिक्स नहीं कर दिया कि मतलब लुक्स पहले से बेकार हो जाए, तो बहुत ही सोच समझ के काम किया है। डुल्टून की जरूरत थी क्योंकि डुल्टून ने काफ़ी अलग तरीके का फील देता है, पूरा पहले पूरा ब्लैक था लेकिन ये इसमें चेंज कर दिया है। फैब्रिक की सीट मिलती है लेकिन क्या लगता है, बंदा 10.5 लाख रुपए में उम्मीद करता है कि उसको लेदर सीट मिलनी चाहिए, चलो वो भी छोड़ो, अगर वो नहीं है तो पीछे एक एड्रेस या आर्मरेस्ट तो देना चाहिए था यार, आगे मिल जाता कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पीछे भी देना चाहिए था। बाकी नॉर्मल रिव्यू में मिलता है, मतलब ऑटो नहीं मिलता, नॉर्मल दिया गया है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि देखो नो डाउट यार कि काफ़ी स्पोर्टी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, i20 कोई गाड़ी बुरी नहीं होती, लेकिन 10.5 लाख रुपये मतलब क्या उस पैसों में वो गाड़ी मायने रखती है, वो ही देखने वाली बात है। क्योंकि फीचर्स की बात करें, इसमें देख सकते थे आप मतलब अपना ऑटो रिव्यू मिरर देख सकते थे, हेडरेस्ट आर्मरेस्ट जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, जो मतलब i20 अपना एक नाम रहा है तो बंदा उम्मीद करता है i20 में ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। क्योंकि कंपेयर करें, टाटा एल्ट्रोज एक एग्रेसिव गाड़ी थी अपने टाइम पे, मतलब अभी भी है वो, लेकिन i20 तो स्टार्टिंग से ही अपनी एग्रेसिव, अपने लुक्स के लिए, अपने मतलब पावर भी है, पावर की बात करेंगे लेकिन काफ़ी मायने रखता है ना ये सारे फीचर, तो इसे करना चाहिए था कंपनी को, क्योंकि वैल्यू फिर और बढ़ जाती है इसकी। बाकी स्टेयरिंग पे भी हमने सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, बहुत ही तगड़ा स्टेयरिंग यार। और चाबी की बात करता हूँ तो वो भी चेंज है, पहले चाबी कुछ अलग थी लेकिन अब इसमें इस तरह की चाबी देखने को मिलती है जो कि वरना वगैरह से इंस्पायर्ड है, वरना वगैरह में भी ऐसी चाबी देखने को मिल जाती है। अब फटाफट से मैं बारी करता हूँ इसको ओपन, मतलब इसका बोनट ओपन करता हूँ और देखते हैं इसकी इंजन पावर में क्या कुछ चेंज देखने को मिल जाता है। अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो इसमें लगभग 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, माइलेज भी इसकी कमाल की है, जो लगभग 16 km/h की माइलेज आपको मिल जाएगी। तो ये है हुंडई i20 फेस लिफ्ट की पावर, जो बिल्कुल सेम पावर है, 81 bhp, मतलब 1.2 लीटर का कप्पा इंजन इसमें ऑप्शन देखने में मिलता है, 81 bhp, अब 149 Nm का इसमें टोक निकलेगा, तो पावर बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप IVT लेते हो, मतलब ऑटोमेटिक वाला जो है IVT वेरिएंट, उसमें पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो लगभग इसमें 86 bhp निकलता है IVT में, लेकिन मैनुअल वगैरह है तो इसमें मिल जाता है अपना 81 bhp। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि यार फेस लिफ्ट आने के बाद ना इसकी पावर बढ़ेगी, तो अब मतलब लोग सोचते हैं कि अब इस गाड़ी में मिलता है लगभग 132-140 bhp, लेकिन ऐसा नहीं है, अब इस गाड़ी में सिर्फ वही पावर है बिल्कुल सेम टू सेम, जो लगभग 81 bhp इस मॉडल में हमें देखने को मिलेगी पावर। तो ये है i20 का फेसलिफ्ट वेरिएंट जो मैंने आप लोगों को बताया, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा बताने का था नहीं, लेकिन सोचा कि क्यों ना इस मॉडल को भी समझते हैं। मैंने कंपैरिजन बहुत कर रखे हैं, मतलब वेन्यू के साथ या अपना एक्स्टर के साथ, न्यूज़ के साथ i20 के कंपैरिजन कर रखे हैं, आप आई बटन में जाके मैं लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, आराम से जाके देखना, आपको मतलब काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी, आपको पता चल जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब था नहीं दिखाने का, लेकिन सोचा इस गाड़ी को भी समझते हैं, इस मॉडल को भी समझते हैं कितना वैल्यू फॉर मनी है। अब i20 सी जैसे मैंने बताया गाड़ी बहुत ही अच्छी है, लेकिन यार प्राइस मुझे लगता है कि उस प्राइस में ना ऐसे कुछ फीचर नहीं देखने को मिलते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि 10.5 लाख रुपए अगर आप दे रहे हो ऐसी जैसी गाड़ी को, तो 50,000 रुपये मिला के 11 लाख रुपये तो कम से कम वेन्यू जैसा एस मॉडल आ जाएगा कम से कम ना, एस तो हाँ एस मॉडल तो आ जाएगा कम से कम 11 लाख रुपये के आसपास का, तो वो इतना वैल्यू फॉर मनी बन पाता है। प्रॉपर SUV गाड़ी, फीचर्स भी टच स्क्रीन उसमें, मतलब अपना म्यूजिक स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर बहुत ही सही है यार। तो एक हैचबैक गाड़ी को हम 10.5 लाख रुपये दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें पैसे भी तो मतलब फीचर भी तो मिलने चाहिए यार, तो वो एक देखने वाली बात है। लेकिन गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बस वही है कि इस प्राइस में थोड़ा फीचर डाल सकते थे, लेकिन गाड़ी बहुत ही सही है, मतलब इसमें कोई कमी तो मैंने क्या ही बताई है, बस ये बताया कि इन पैसों में ही फीचर डाल सकते थे। वो तो सब लोग एग्री करते हैं यार कि सब लोगों को मतलब अपना कम प्राइस में ज़्यादा फीचर चाहिए होते हैं। अब जैसे एक्स्ट्रा है, वो इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हुई, कम प्राइस में सनरूफ डाल रखी है, तो इसलिए एक्स्ट्रा भी काफ़ी सारी बुकिंग चल रही है, डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो i20 बंदा उम्मीद करता है कि फेसलिफ्ट आने के बाद थोड़ा बहुत हमें फीचर ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन अब प्राइस भी बढ़ा दिया है और मतलब 20-25 हज़ार रुपये बढ़ा दिया है, और उसमें ऐसा कुछ चीज़ भी नहीं देखने को मिलती, तो एक देखने वाली बात है। लेकिन गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सही है। और बाकी यही था रिव्यू,
बस भाई वो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको पता है ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, उसका कंपैरिजन भी मैं कर रखा है। जैसे आपको बताया आराम से जाके वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आराम से जाके वीडियो देखना, आपको काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी i20 या अपना न्योस एक्स्ट्रा के बारे में। तो बाकी ये था रिव्यू भाई, बस लाइक शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जल्दी, गुड लक दोस्तों।